नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया। खबर मध्य प्रदेश की रीवा की तहसील जवां हल्का कोटा के पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया गया कि आवेदक सलमान खान ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि पटवारी हल्का विनोद सिंह पटेल एवं राजस्व निरीक्षक नीरज शुक्ला द्वारा शिकायतकर्ता के भाई एवं पिता के नाम पटवारी हल्का कोटा में स्थित भूमि का सीमांकन करने हेतु 3000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व में 1000 रुपए लेने पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध कर ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पटवारी के किराए के आवास एवं कार्यालय डभौरा से पकड़ा गया है। आइए जानते हैं लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकर ने क्या बताया। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। के जो निवासी हैं, आवेदक हैं हमारे, उसमें सलमान खान, ये जवा तहसील के निवासी हैं। इनके द्वारा जो है नामांतरण सीमांकन के लिए जो है एक आवेदन दिया था तहसीलदार जवा को। उसमें इनका जो इनके तीनों भाई हैं उनका जमीन का बंटवारा सीमांकन नामांतरण होना था, तो ये काफ़ी दिन से जो है उनको घुमा रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसी एवज में जो है वहाँ के जो पटवारी हैं उस हल्के के विनोद पटेल और वहाँ के आरआई हैं नीरज शुक्ला, इन दोनों के द्वारा उसे 4000 रुपये मांगे गए थे। उसमें जो है शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज सुबह जो है डभौरा में पटवारी के आवास से उसको 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, और इसमें आरआई जो है विनोद शुक्ला भी आरोपी है।